नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव खबर और मैं हूं आपके साथ अमित नेगी। तो चलिए नजर डालते हैं देश विदेश की 10 बड़ी खबरों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तमाम उठापटक के बाद आखिरकार उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से मुलाकात करने को एक बार फिर तैयार हो गए हैं। अब दोनों नेता पूर्व निर्धारित समय और स्थान पर ही मुलाकात करेंगे, यानी ट्रंप और किम की मुलाकात सिंगापुर में 12 जून को ही होगी। व्हाइट हाउस में उत्तर कोरिया के वरिष्ठ अधिकारी किम योंग चोल से मिलने के बाद अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अपने करीबी किम योंग चोल के जरिए ट्रंप को एक खत भेजा था, जिसको पढ़ते ही वो किम से सिंगापुर में पूर्व निर्धारित समय पर मिलने को राजी हो गए। साथ ही उन्होंने कहा, मैं 12 जून को सिंगापुर की यात्रा करूंगा। आतंकवाद का पनागा पाकिस्तान अपनी नापाक करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। बीती रात करीब 1 बजे पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा और गोलाबारी की। वहीं पाकिस्तान की इस गोलाबारी में बीएसएफ के एएसआई एएसएन यादव और कांस्टेबल वीके पांडे शहीद हो गए, जबकि 7 नागरिक घायल हो गए। फिलहाल पाकिस्तानी रेंजर्स की ओर से जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में फायरिंग की जा रही है और मोर्टार भी दागे जा रहे हैं। वहीं भारतीय सुरक्षा बल भी पाकिस्तानी रेंजर्स को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान सीमा पार से लगातार आतंकियों की घुसपैठ करा रही है, जिसके चलते ये आतंकी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। बता दें कि शनिवार को श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर सिलसिलेवार 4 ग्रेनेड हमले हुए, जिसमें 4 जवानों सहित 5 लोग घायल हो गए। वही खूंखार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान में 25 जुलाई को होने जा रहे आम चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़ा करेगा। मिली जानकारी के मुताबिक हाफिज के संगठन जमात उद दावा ने अल्लाहू अकबर तहरीक नाम के एक नए दल से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दरअसल इस समूह की मिली मुस्लिम लीग MML का राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकरण होना भी बाकी है। आपको बता दे कि जमात उद दावा ने साल 2008 में मुंबई हमले को अंजाम दिया था और इस संगठन ने मिली मुस्लिम लीग के नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी शुरू की थी, लेकिन पाकिस्तान चुनाव आयोग के पास ये पार्टी अब तक पंजीकृत नहीं हो पाई है। जमात उद दावा के एक सदस्य ने बताया कि ये एक निष्क्रिय पार्टी है, जिसे एहसान नाम के एक नागरिक ने पंजीकृत कराया था। साथ ही उन्होंने कहा कि MML के अध्यक्ष सैफुल्ला खालिद इस संबंध में जल्द ही औपचारिक घोषणा करेंगे। पंजाब के बटाला में पुलिस ने 3 खालिस्तान समर्थकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार खालिस्तानी समर्थक प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से संबंध रहे हैं। बटाला पुलिस ने संदिग्धों के पास से अवैध हथियार और खालिस्तान का समर्थक करने वाला पोस्टर भी बरामद किया है। बता दें कि देश के विभिन्न हिस्सों में खालिस्तान समर्थकों के अलग अलग ग्रुप अब भी सक्रिय हैं और पंजाब को भारत से अलग देश बनाने की मुहिम चला रहे हैं। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के ट्विटर हैंडल पर इसे बकायदा देखा जा सकता है। इस संगठन ने रेफरेंडम 2020 नाम से एक अभियान चला रखा है। संगठन के ट्विटर हैंडल पर शनिवार को किए गए पोस्ट में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को धमकी भी दी गई है। वहीं इस संगठन का कहना है कि भारत ने जबरदस्ती पंजाब पर कब्जा कर रखा है और संगठन द्वारा चलाए जा रहे अभियान रेफरेंडम 2020 का उद्देश्य पंजाब को अलग देश बनाना है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आज बंद बुलाया है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने बंगाल की ममता सरकार को नाकाम करार दिया है। साथ ही पार्टी ने NHRC से मामले की जांच की मांग की है। वहीं ममता सरकार ने CID को घटना की जांच सौंप दी है। दरअसल पुरुलिया में 4 दिनों के भीतर शनिवार को दूसरे व्यक्ति की लाश लटकी हुई मिली है। आपको बता दें कि इससे पहले भी 18 साल के दलित त्रिलोचन महतो की पेड़ से लटकी हुई लाश मिली थी। वहीं मृतक दुलाल कुमार के परिवार ने तृणमूल पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप लगाया है। मामले में बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी के लोगों को बंगाल में निशाना बनाया जा रहा है, इसके लिए वो खामोश नहीं बैठेंगे। केंद्र सरकार में SC ST कर्मचारी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। बता दें कि SC ST कर्मचारियों पर डिमोशन का खतरा मंडरा रहा था, जो अब टल चुका है। इसके साथ ही प्रमोशन के इंतजार में सुप्रीम कोर्ट की तरफ एक टक देख रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता भी साफ हो गया है। दरअसल हाल ही के कई न्यायिक फैसलों के चलते आरक्षण में प्रमोशन को लेकर रोक लग गई थी। वहीं शीर्ष अदालत ने 17 मई को जनरल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया था। साथ ही आदेश दिया था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर जितनी भी याचिकाएं और केंद्र सरकार की SLP पेंडिंग है, उनका प्रमोशन नीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस मामले में जाफा के प्रेसिडेंट OP गौतम ने कहा है कि कार्मिक मंत्रालय अगर इस आदेश को सभी जगह लागू कर दे तो बहुत बड़ी राहत मिलेगी।
वहीं देश भर के लाखों किसान पिछले दो दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सभी राज्यों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सबके बीच केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि किसानों का ये विरोध प्रदर्शन केवल मीडिया में आने का एक जरिया है। दरअसल पटना में नरेंद्र मोदी सरकार के 4 साल की उपलब्धियों का बखान करने पहुंचे राधामोहन सिंह ने मीडिया से पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि किसान मीडिया में बने रहने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं ताकि उन्हें पब्लिसिटी मिले। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब ऐसे राज्य हैं जहां पर किसान आंदोलन का सबसे व्यापक असर देखने को मिल रहा है। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में किसान आंदोलन को लेकर कहा है कि वहां पर किसी प्रकार का आंदोलन नहीं चल रहा और कांग्रेस पार्टी केवल किसानों को भड़काने का काम कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि किसान आंदोलन की आड़ में कुछ लोग नेतागिरी करने में लगे हैं। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में कई नशा मुक्ति केंद्र गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं, जहां कई लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध रखा जा रहा है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि दिल्ली में चल रहे नशा मुक्ति केंद्रों में मानसिक रोगियों के मानव अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 अधिसूचित किया जा चुका है, लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी तक इस बिल को अधिसूचित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि वो 6 जून से होने वाले विधानसभा सत्र में इस मामले को उठाएंगे। भारत के बेहतरीन फुटबॉलरों में शुमार सुनील छेत्री ने शनिवार को इंटरनेशनल फुटबॉलर मेसी, नेमार और रोनाल्डो के फैंस से भारतीय फुटबॉल टीम का मैच देखने के लिए स्टेडियम में आने की भावनात्मक अपील की है। आपको बता दें कि फुटबॉल विश्व कप शुरू होने में महज 2 हफ्ते रह गए हैं और प्रसारक फुटबॉल प्रेमियों से हैशटैग के जरिए दूसरे देशों के प्रति अपना प्रेम जाहिर करने की अपील कर रहे हैं। बता दें कि भारतीय फुटबॉल टीम हाल ही में फीफा रैंकिंग में 97वें स्थान पर पहुंच गई है। वहीं भारत ने 4 देशों के टूर्नामेंट के पहले मैच में ही चीनी ताइपे को 5-0 से हराया है। वहीं भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने वीडियो पोस्ट करते हुए कहा है कि सबसे मेरी अपील है कि आप लोग भारतीय फुटबॉल टीम को मैदान में खेलते देखने जरूर जाएं। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का रिश्ता कुछ समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से उन्होंने ब्रह्मास्त्र की शूटिंग शुरू की है, दोनों स्टार्स के रिलेशन को रणबीर कपूर की मां नीतू कपूर की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। लेकिन अब रणबीर कपूर की बहन भी इस रिश्ते से बेहद खुश नजर आ रही है। हाल ही में उन्होंने आलिया को एक खूबसूरत ब्रेसलेट गिफ्ट किया है। वहीं इस ब्रेसलेट की तस्वीर आलिया ने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए रिधिमा को थैंक यू नोट भी लिखा है। हालांकि रणबीर कपूर अक्सर अपने रिलेशन को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है कि उनके किसी रिलेशन को फैमिली सपोर्ट भी मिल रहा है। बता दें कि पिछले दिनों आलिया भट्ट के जन्मदिन को मनाने के लिए नीतू कपूर खुद ब्रह्मास्त्र के सेट पर पहुंची थी। वैसे आलिया और रणबीर दोनों ही अपने रिलेशन को मीडिया के सामने एक्सेप्ट कर चुके हैं। फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव खबर।